गुड इवनिंग एवरीवन, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जल्दी से एक बार बता दें, मेरी वॉइस आप तक क्लियरली पहुंच रही है? किसी प्रकार को किसी को कोई समस्या हो तो भी बता दो। मीनाक्षी जी वेरी वेरी गुड इवनिंग, विष्णु जी गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से जितने लोग कनेक्ट हो चुके हैं बताइए। आज से मध्यकालीन भारत जो है आपका स्टार्ट होगा। एंशियंट में कुछ लोगों जो आपके बैच वाले हैं एंशियंट आपको अनुसर पढ़ा रहे होंगे। चलिए नहीं, सेकंड लेक्चर नहीं है आप लोगों के लिए, सेकंड नहीं है। कल सिर्फ सिलेबस डिस्कशन किया था मैंने, ठीक है, सिलेबस डिस्कशन किया था, क्योंकि आपका जो बैच है ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो बीईओ को लेकर आर ओ आर ओ को लेकर उसको डिस्कशन किया गया था, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सब कुछ अच्छा है, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, अरब इन्वेजन। ठीक है, अरब इन्वेजन के बारे में बात करेंगे, अरब आक्रमणकारी जो आए उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, लेकिन इससे बात करने से पहले ये अरब इन्वेजन क्यों हुआ उसको जानना जरूरी है, इसके पीछे कारण क्या था, ठीक है, रीजन क्या था इसे होने का वो जरूरी है। क्या कारण था कि अरब इन्वेजन हुआ, उससे सबसे पहला जो आपको आएगा वो है इस्लाम धर्म, ठीक है, जो इस्लाम रिलीजियंस था, ठीक है, इसी की वजह से इस्लाम जो धर्म था, इस्लाम धर्म के वजह से ही ये अरब आक्रमण हुआ। ये कैसे हुआ ये कहानी के रूप में आप लोग ध्यान लगा लीजिए, अच्छत फूल ले लीजिए और सुनते रहिए, ठीक है। कैसे ध्यान लगाना है चलिए, बात कुछ इस प्रकार की है, 570 ईस्वी की है, ठीक है, कब की है, 570 की है, ठीक है। यहां पर एक तरह से बोला जाए कि किसका जन्म होता है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है और इनके जन्म के बाद ही एक तरह से बोला जाए कि जो इस्लाम धर्म का उदय होता है, जब ये बड़े होते हैं, ठीक है, इनके बड़े होने के बाद ही इन्होंने ही इस्लाम धर्म की नींव रखी एक तरह से कहा जाए। राहुल जी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। तो वो जो इस्लाम धर्म की इन्होंने नींव रखी तो उसका सबसे, क्योंकि नया धर्म था, उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पैसा चाहिए, उस धर्म को अपनाने वाले लोग चाहिए। एक छोटे से अरब के रेगिस्तान से यह धर्म चला था, अरब में मक्का में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब फैक्ट याद रखना, कहां हुआ था, मक्का में इनका जन्म हुआ था। तो वहां से इन्होंने जब इस्लाम धर्म की स्थापना की थी तो उस धर्म को कैसे बढ़ाया गया ये देखिए, उस धर्म को बढ़ाने का ये वो था कि तलवार के नोक पर सभी देशों में उस धर्म को फैलाने का काम चल पड़ा। क्योंकि पहले जहां पर इनका जन्म हुआ, जो पहले किसी राज्य में नहीं कबीले में लोग रहते थे, और उसी कबीले में से कुरैश कबीला नाम था, ठीक है, उसी कुरैश कबीले से इनका जन्म हुआ था, ठीक है, किसका, मोहम्मद साहब का। बचपन में ही इनके पिताजी गुजर गए, इनका लालन पालन जो है इनके चाचा जी ने किया, ठीक है। जैसे जैसे बड़े हुए तो इनको ये पता चला कि ये भगवान के भेजे हुए दूत हैं, ठीक है, ये इन्होंने 40 वर्ष के उम्र में इनको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति हो गई। मतलब 610 ईस्वी की बात हम मैं करूं,
जो 610 में इनको हीरा नामक पहाड़ी पर एक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ और वहां पर इनको एक देवदूत मिला। उस देवदूत का नाम कोई बता सकता है? उस देवदूत का नाम था जिब्रियल। ये देवदूत ने उनको क्या कुरान जो कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ राइटर की दिए थे और बोले थे कि आप इस धर्म के प्रचार प्रसारक बने, आप एक क्या हो, आम आदमी नहीं है, आप एक अल्लाह के दिए हुए, अल्लाह के भेजे हुए एक दूत हो जो अल्लाह के प्रचार प्रसार करोगे। तो उन्होंने जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया 40 साल की उम्र में, जैसे आप लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा, उन्हें भी अपने धर्म के बारे में मेन चीजें जो क्या जरूरत है आज के समाज में वो ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे ही इन्हें भी मोहम्मद साहब को भी ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ज्ञान प्राप्त के बाद ये जब आए मक्का में, जब पहाड़ से उतर के आए, कहें भैया देखो उस समय क्या था कि जो कबीले वाले थे, छोटे छोटे जो कबीले थे, वो कबीले वाले क्या करते थे, मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे, ठीक है, उसी मूर्ति पूजा को ये इन्होंने नकार दिया। और जो भी ये दुनिया भर के पूजा पाठ के क्रमकांड होते थे उनको इन्होंने कहा कि ये सब करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक। जहां उनकी मूर्तियां रखी गई थी चारों तरफ से घेरा गया था, तो इन्होंने सीधे सीधे जब नकार दिया, कुछ लोगों को बातें समझ में आई जो इन्होंने बताया कि हमें अल्लाह की उपासना करना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए, अल्लाह ही हमारे सब कुछ है, ठीक है, तो उसमें मूर्ति पूजा की बात नहीं की गई। लेकिन इनकी इस बात से कुछ लोग सहमत हुए, कुछ लोग इनके शरण में आए, इनके उपदेश सुन, उनके कुछ लोगों को ये बुरी बात लगी। जो लोग अमीर वर्ग के लोग थे कबीले में, जो एक तरह से शासक वर्ग के लोग थे, उनको ये बात बुरी लगी, जिसके कारण इनको मक्का में काफी दिनों तक नहीं रह पाए। फिर ये कहा हुए मक्का से तुरंत कहां शिफ्ट हो गए, मदीना चले गए। और 622 में, क्या 622 में ये मदीना जाते हैं, और जब ये 622 में मदीना में पधारते हैं तो मदीना की स्थिति ये होती कि वहां के कुछ जो कबीले के वर्ग होते हैं उनमें मतभेद होता है ज्ञान को लेकर, चाहे कुछ भी जो भी ऐसा समझा जाए। तो जब ये मदीना जाते हैं तो ये अपने ज्ञान के प्रभाव से वहां पे जो अराजकता फैली होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं उस समय ऐसी थी कि लोग भूख के मारे तड़प रहे थे, धर्म का जो एक तरह से जो पूजा पाठ वाला सिस्टम था, कर्मकांड था, उससे भी लोगों को दिक्कत थी, ठीक है। तो इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने जब ये सब कुछ समझाया तो वहां का झगड़ा सॉर्ट आउट हो गया, तो मदीना में इनको मक्का से ज्यादा वैल्यू मिला, वहां इनके अनुयायी ज्यादा हो गए। तब इनको समझ में आया कि हमें बेसिकली अगर किसी क्षेत्र में अपने धर्म को फैलाना है तो आपके समर्थक ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, आपके समर्थक क्या होने चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और जब ये 622 में गए तो प्रश्न यहां से पूछ देता है कि यहां पे इस्लाम कैलेंडर का एक संवत शुरू होता है, जैसे आप लोग गुप्त वंश में एक संक जो आप लोग अभी क्या पढ़ रहे हो एंशियंट में, बताओ, कनिष्क पढ़ रहे हो ना, तो शंक संवत आता है वहां पर, वैसे ही एक कैलेंडर यहां पर शुरू होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ, किसी को पता है, किसी को पता है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से, प्रश्न बनता है यहां पर, हिजरी संवत, ठीक है। 622 जब ये मदीना में पधारते हैं उसी समय ये इस्लाम कैलेंडर स्टार्ट होता है जिसको हम हिजरी संवत बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछेगा। हाँ, तो कहां थे कि जब इनके अनुयायी बढ़ते गए, अब यहां पर कहीं ना कहीं ये अपने आप को किसी क्षेत्र का राजा ओजा नहीं मानते थे, ये इनका काम था भैया कि ज्ञान बांटना, ज्ञान से जिसका उद्धार हो जाए उद्धार हो जाए। लेकिन उस ज्ञान के वजह से लोग इनके फॉलोअर बढ़ते चले गए, उनमें कुछ कबीले के राजा हो गए, कुछ लोग सैनिक हो गए, तो वो अब जब इस्लाम धर्म को समझने लगे तब उसके प्रचार प्रसार में निकल गए। अब जब वो प्रचार प्रसार में निकले तो भैया वो अरब के क्षेत्र से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूरोप, कोई भी, अफ्रीका, कुछ भी देश इन्होंने छोड़ा नहीं अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ इन्हें धन की भी जरूरत होती थी कि जितने लोग इनके अनुयायी बढ़ेंगे
उतने खर्चे बढ़ेंगे, तो उन सब चीजों के लिए धन की भी जरूरत हो, तो वो जहां अटैक करते थे तो इनका एक काम ही था तलवार के बल पर धर्म को ग्रहण कराना और फिर वहां से लूटे हुए माल से अपनी प्रजा जो भी है इस्लाम धर्म के उनको क्या करना, उनका डेवलपमेंट करना। चलिए बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है जितना मैं कथा कहानी आपको बता रहा हूं। मैं अभी फैक्ट जितना है वो मैं एक बार आपको बता दूं, फैक्ट वैसे मैं लिखता चला जा रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट है। कहानी सुनो मजा आएगा जबरदस्त तरीके से। आ रहा है कि नहीं जल्दी बताओ, एक बार बताओ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो भैया इन्होंने अपना पूरा फैलाया, यूरोप में भी गए, यूरोप में बड़े बड़े राजाओं ने इनका सामना किया लेकिन वो भी टिक नहीं पाए, अपना जो है हाथ डाल दिए। यूरोप में भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी देखो इस्लाम धर्म है कि नहीं, एकदम है, आज भी देखो करंट में, तो वही चीज यूरोप में भी फैल गए, तो ये कुछ भी नहीं। उसी तकदे में आपका भारत भी कहीं ना कहीं आ जाता है जब ये धर्म प्रचार प्रसार के लिए चलते हैं। कई लेखकों का अरब इन्वेजन का, अरब आक्रमण का भारत में कहने का जो होता है कि अलग अलग मतभेद है। एक तो ये है ही है कि भैया पैसा चाहिए था, इनका समाज बड़ा हो रहा था, ठीक है, अलग अलग इनके राज्य भी बन रहे थे, इस्लाम बड़ा, एक अरब जो है राज्य इस्लाम के नाम से विकसित हो रहा था, ठीक है। तो इस चीज को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को, अपने सेना को, अपनी जनता को अच्छी परवरिश देने के लिए पैसे की जरूरत है, और उस समय भारत के पास पैसा बहुत था, और नजर पड़ी इनको भारत के पास और चर फिरे सर फिरे एकदम, ठीक है। अब वो कहानी यहां पे हम थोड़ा सा ठप करेंगे और थोड़ा सा इधर आएंगे कि अभी अरब इन्वेजन, हम आप जान लो कि अरब इन्वेजन का ये कारण रहा कि भैया धन चाहिए और क्या चाहिए, अपने धर्म का प्रचार करना है, ये कारण भी है अरब इन्वेजन का। दूसरा कारण मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहां पे आते हैं कि भैया ये बहुत दिन तक तो रह नहीं पाए। अब रह नहीं पाए, इन्होंने बड़ी सेना कर ली और मदीना में एक बहुत अपना एक तरह से वर्चस्व इनका कायम हो गया, और 632 में मोहम्मद साहब का देहांत हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब मृत्यु होने के बाद बहुत अफरा तफरी मच गई, मृत्यु होने के बाद यह हुआ कि अब कौन बनेगा। अब यहीं पर एक खिलाफत कमेटी का गठन होता है, वही खिलाफत जो आप इंडियन नेशनल मूवमेंट में खिलाफत आंदोलन जब चलाया जाता है सैयद बंधुओं के द्वारा, कि तुर्क में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उस समय वहां के खलीफा के पोस्ट को हटा दिया गया, उसके वजह से, क्योंकि खलीफा एक पोस्ट था जो इनके बाद बनता है, खिलाफत कमेटी के थ्रू एक खलीफा पोस्ट डिक्लाइन मतलब किया जाता है कि खलीफा जो लोग होंगे वो धर्म के प्रचार प्रसारक होंगे, और वही खलीफा पोस्ट बाद में चलकर कुछ समय बाद वो धर्म के साथ साथ राजनीतिक पोस्ट भी बन जाता है, वो राजा को अपॉइंट करने लगता है, सुल्तान की उपाधि देने लगता है। आप दिल्ली सल्तनत तक पढ़ोगे कि जो आपके खलीफा होते थे वही सुल्तान की उपाधि उनको देते थे, ठीक है। तो यहां पे इनकी मृत्यु के बाद ही आपका जो डिवीजन होता है मुस्लिम का, क्योंकि इनको यह था कि जो इस्लाम धर्म अपनाता था उसी को मुसलमान कहते थे। ये किसने कहा था, ये आपके पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था, और मोहम्मद साहब ने मुसलमान होने के कुछ बोले थे कि आपको कलमा पढ़ना है, आपको नमाज पढ़ना है, आपको जो है इबादत करना है 5 टाइम नमाज का, उसके बाद से रोजा रहना है आपको, तो ये सब एक सच्चे मुसलमान की निशानी होती है, सच्चा मुसलमान को ये पालन करना पड़ेगा ये सब रूल, ठीक है। तो उसी में जब इनकी मृत्यु हुई तो बहुत मतभेद हो गया, कौन अब संभालेगा इसको, इस्लाम धर्म का कंधे पर कौन लेके प्रचार प्रसार चलेगा। तो लोगों के मतभेद के कारण, एक तो वैसे भी इनके मक्का में थोड़े से सपोर्टर कम थे, मदीना में हुए थे, लेकिन वही सब मक्का मदीना वाले सपोर्टर मिलाकर, और हज की यात्रा वही होता है, हज की यात्रा मक्का, हज की यात्रा भी एक मुसलमान को अपने जिंदगी जीवन के काल में करना भी अनिवार्य कहा गया। अब यहीं पर सिया और सुन्नी, सिया और सुन्नी का डिवीजन होता है मुसलमानों में। आप जो आप देख रहे हो कि अरब कंट्रियों में सिया सुन्नी का वार चल रहा है वो यहां पर, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग फैक्ट पे आ जाते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि
जो शिया और सुन्नी संप्रदाय था, शिया में जो थे एक तरह से, वो कहीं ना कहीं जो शिया वाले थे उनका यह मानना था कि जो मोहम्मद साहब के वंशज हैं उनके दिए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। लेकिन जो सुन्नी थे वो कहते थे कि जो इस्लाम का एक तरह से धर्म है उसके रास्ते पर हम चलेंगे। जो इस्लाम के एक तरह से बोला जाए सुन्नी, सुन्ना जो बोला जाता है, सुन्ना पर विश्वास करते थे। सुन्ना का मतलब होता है इस्लाम धर्म में निर्धारित कार्यों को आदर्श मानकर, जो इस्लाम धर्म में कार्य माने गए हैं उन्हीं को आदर्श मान को फॉलो करना। इसमें डिवीजन हुआ। और साथ ही साथ जब ये इनका पैगंबर मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ तो जो एक तरह से दो वंशज हो के आपके आए, सिया सुन्नी में से ही आपके दो वंशज उभर के आए। एक आया आपका जो खलीफाओं का वंशज चला, खलीफाओं के वंशज में आपके दो वंशज चले, जिसमें से एक जो वंशज था आपका उमैयद वंश था। उमैयद वंश था, ठीक है, एक जो आपका था वो उमैयद वंश था और एक जो था वो था अब्बासी, अब्बासी था। एक अब्बासी खलीफाओं का वंश था, एक उमैयद वंश था, ठीक है। अब्बासी और उमैयद, उमैयद वंश में ही सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद साहब मरने से के बाद अपने उत्तराधिकारी को किसी को नहीं बोला था कि उत्तराधिकारी होगा, लेकिन उन्हीं के बीच में, उनके फॉलोअर्स के ही बीच से एक लोगों को खलीफा चुना गया और खलीफा का पोस्ट वहीं से स्टार्ट हुआ था, उमैयद वंश से स्टार्ट हुआ। यह अब्बासी वंश बाद में आता है, यह हमें देखने को मिलेगा कब, जो अब्बासी वंश होगा हमें 747-48 मतलब 750 के आसपास अब्बासी देखने को मिलेंगे। हम सभी शुरुआत में अभी उमैयद वंश ही चलेगा, ठीक है। तो कहीं जगह अबू बकर मिलेगा, कहीं जगह अबू बकर मिलेगा, अब यहां पे आपको बकर भी बोल दिया जाता है, अबू बकर, एनसीईआरटी में अबू बकर लिखा हुआ है, बड़ी किताबों में ग्रेजुएशन में जाओगे तो अबू बकर। तो पहला जो खलीफा अगर आपसे बोला जाए तो पहला जो खलीफा था वो कौन हुआ, अबू बकर हुआ। और खलीफा का काम ही था कि एक भैया आपको धर्म का प्रचार करना है, मेन रोल यही था खलीफा का काम। लेकिन बाद में एक समय अनुसार क्या हुआ कि ये खलीफा का पोस्ट राजनीतिक पोस्ट बन गया और यही पोस्ट बाद में क्या हो गया, एक हेरिडेटियल हो गया, पेरेंटल हो गया, कि जो इसके बाप खलीफा उसके पुत्र भी खलीफा रहेंगे। अबू बकर के बाद जो दूसरे खलीफा बनते हैं जिनका काफी वर्चस्व रहता है, अबू बकर उतना काम नहीं कर पाते हैं, उमर। उमर खलीफा के शासनकाल में इस्लाम धर्म का बहुत प्रचार प्रसार होता है। शुभम जी खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, ठीक है। इनकी भी 644 में बोला जाता है पूजा करते समय इन्हें भी मार दिया गया, ठीक है। इसके बाद से आपके आते हैं उस्मान, इसके बाद जो खलीफा आते हैं तीसरे वो होते हैं उस्मान, और चौथे जो खलीफा होते हैं इनका भी कोई खासा रोल नहीं रहा, अली आते हैं। और अली जो हैं वो पैगंबर मोहम्मद के कहा जाता है कि ये इनके दामाद थे, उनसे रिलेटिव थे, ठीक है। अली के बाद अली के पुत्र आते हैं और यहीं से आपका जो खलीफा का पोस्ट होता है वो पैतृक हो जाता है एक तरह से, कि पिता के समाज में जो आपका जो जिनके पिता जो है खलीफा है तो उनके पुत्र भी खलीफा होंगे। तो यहां पर से अली से ही, इसीलिए जो सिया का डिवीजन हुआ था आपका, वो लोग अली के रास्ते पर चलते हैं क्योंकि अली जो है वो पैगंबर के वंशज से आए, तो वो इनके कहते थे कि हम इन्हीं को मानेंगे, बाकी किसी को नहीं मानेंगे, हम अपना पैगंबर अली के वंशज को ही मानेंगे, ठीक है। तो 661 में इनका भी देहांत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से एक तरह से ये चलता रहता है और 750 के आसपास में जो इनका लास्ट एक तरह से बोला जाए मारवान, मारवान सेकेंड कोई उमैद का लास्ट खलीफा होता है, वो अब्बासी खलीफाओं से भिड़ते हैं और अब्बासी खलीफा इनको पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, वहां से अब अब्बासी खलीफा स्टार्ट होता है। लेकिन अब्बासी खलीफा 750 के अप्रोक्स में गए, अभी हमें अरब इन्वेजन 711 में ही देखना है। उस समय
जो खलीफाओं में राज था, जो इस्लाम के मेन थे, वो उमैद वंश के ही खलीफा थे। उसी खलीफाओं में एक थे मंसूर हजाज। ठीक है, तो अब अरब इन्वेजन की कहानी अब स्टार्ट होगी। ठीक है, उससे पहले कुछ इस्लाम धर्म के फैक्ट हैं, उसको हम लोग पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं। अभी तक जितना मैंने बताया वो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, कि भैया सबसे पहले अगर आपसे खलीफा पूछा जाए तो अबू बकर होंगे, और सबसे वर्चस्व जिनका रहा इस्लाम धर्म में, उन्होंने काफी हेल्प किया, वो थे उमर, खलीफा उमर। जहां अभी तक जितना मैंने आपको कहानी समझाया वो समझ में आया, इसके बाद से अरब इन्वेजन की कहानी स्टार्ट होगी। अब खलीफा मंसूर हजाज के कहने पर चीजें चलेंगी, वो पार्ट अलग है, वो अरब इन्वेजन से है। अभी हम लोग इस्लाम धर्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। चलो फैक्ट नोट करते जाना। जैसे इस्लाम धर्म से आपसे क्या पूछेगा, यह सब मैंने आपको बता दिया कि मक्का में इनका जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब को अल अमीन के नाम से भी पुकारते हैं और इनको कुरान में मोहम्मद के नाम से जानते हैं, यह ध्यान रखिएगा। इनकी शादी 25 वर्ष में खदीजा, एक विधवा थी, इनसे इनका हुआ था। तो ये समाज में बहुत अच्छा संदेश भी देकर गए थे, उस समय में विधवा विवाह किए थे। ठीक है, आप समझ सकते हो, तो समाज को एक अच्छा उपदेश दे रहे थे, वो उस धर्म का सही मायने में प्रचार कर रहे थे। मजाक से आया कि बेमजा से आया, बताओ सब कुछ मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। तो विवाह इनका किससे हुआ था, खदीजा नामक से हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनके पिताजी का नाम था अब्दुल्ला और माताजी का नाम था अमीना। ये सब याद रख लेना, ये सब फैक्ट है। ठीक है, मैंने जिब्रियल के बारे में आपको बता दिया, 40 वर्ष की उम्र में, मतलब 610 के पास हीरा नामक पहाड़ी में इनको एक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां जिब्रियल मिला इनको, इस्लाम धर्म के बारे में इनको बताया। ठीक है, उसके बाद से ये मदीना गए और हिजरत वही संबत कहलाया, ये सब मैंने आपको बता रखा है। 632 में इनकी मृत्यु हो जाती है और कुरान शरीफ, मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए उपदेश कुरान शरीफ में संग्रहित है। जो कुरान शरीफ है, इनके सभी उपदेश उसी में क्या है, संग्रहित है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद से मैंने बताया कि एक मुसलमान को क्या क्या करना चाहिए, नमाज अदा करना चाहिए, मस्जिद, सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो मक्का में है, मस्जिद अल अहराम इनको बोला जाता है। ठीक है, और जो भी आपके क्या नाम है, कुरान पढ़ना है आपको, वो किधर करना पड़ता है, पश्चिम मक्का की ओर मुंह करके पढ़ा जाता है, जो नमाज पढ़ा जाता है वो मक्का। एक होता है खुतबा पढ़ना, वो प्रशंसा में, जो राजा होता है उसकी प्रशंसा में पढ़ा जाता है खुतबा। कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सुनते जाओ। आप अपने लिए कहीं एक पेज ले लो, A4 साइड, उसमें लिखते जाओ, क्योंकि लिखने का इंपैक्ट दिमाग पे होता है। एक चीज ध्यान रखना, मेरी बातों को हमेशा ये ध्यान में रखना। देखो ठीक है, नोट्स मिल जाता है, हर चीज मिल जाता है, लेकिन कभी भी पढ़ाई करो तो पेन पेपर लेके पढ़ो, क्योंकि अगर आप चीजों को लिखोगे तो उसका सीधे कनेक्शन आपके कलम से आपके दिमाग का होता है। ये मेरा प्रैक्टिकल व्यू है, आप लोगों भी अजमाओ, जरूर सक्सेस मिलेगा, क्योंकि एक बार जो चीज लिख लोगे वो दिमाग पे छप जाता है। आप कितना भी चीजें पढ़ लो उसका मतलब नहीं होता है। पीडीएफ तो मिलेगा, पीडीएफ के लिए चिंता मत करो। ठीक है, हज की यात्रा मैंने बताया कि हज की यात्रा आपको करना ही करना है, और एक जकात कर जो होता है, ये काफी आप लोग बाद में भी चलोगे तो इसका नाम आएगा, जकात कर भी दिया जाता है उन मुसलमानों को जो निर्धन है। वो मुसलमान जो अमीर हैं वो अपने इनकम का 2.5% जकात कर के लिए देंगे, ताकि जो निर्धन मुसलमान हैं उनका कल्याण हो सके। तो ये बेसिक सा इस्लाम धर्म के बारे में था, हमें डिटेल में नहीं जाना है। ठीक, अब कहानी शुरू होती है अरब आक्रमण की, क्योंकि मैंने बताया कारण क्या था, एक कारण इस्लाम धर्म का प्रचार और भारत का, भारत में काफी एक तरह से धन का होना, पूर्ण रूप से फलता फूलता हमारा भारत था उस समय, इसको किसने किसने नहीं लूटा है, अलेक्जेंडर से लेकर जितने आपके मुस्लिम आक्रमणकारी हुए, जितने आपके अंग्रेज हुए, सबने तो लूटा है, यहां से किसी ने छोड़ा है,
नहीं, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे भाई साहब कि आपके अरब इन्वेजन की, ठीक है। यहां पूरा आपका जो क्षेत्र था ये सब किसके कब्जे में था, ये सब अरब के कब्जे में था। अरब के कब्जे मतलब, अरब के कब्जे का मतलब ये हो गया कि जो भी आपके खलीफा थे उनके कब्जे में था, इन सभी पर इस्लाम धर्म का कब्जा था। ये भारत का नक्शा देख रहे हो और यहां सिंध देख रहे हो, और सिंध पर यहां पर एक आपके बोला जाए शूद्र राज्य चल रहा था उस समय, और उस समय वहां पर जो शासक थे सिंध के शासक वह सहसीराम थे। कौन थे? सहसीराम, और इनके बाद बने सहसीराम द्वितीय, और इसके बाद बने चच। जो यह चच बना था सिंध को, इसी के शासनकाल में सिंध का काफी विस्तार हुआ था। जो चच था वो ब्राह्मण था, और चच के दो पुत्र थे। चच के जो दो पुत्र थे वो दाहिर था, एक दाहिर था, और दूसरा जो था वो दाहिर सिम था। एक था दाहिर सिम, लेकिन किसी कारणवश चच की भी मृत्यु हो जाती है और दाहिर सिम की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो दाहिर जो है वो पूरा तरह एक तरह से ब्राह्मणवाद पर फेवर करता था, और यहां का जो क्षेत्र है सिंध का क्षेत्र, यहां के क्षेत्र में कुछ बौद्ध लोग भी थे जो इस ब्राह्मणवाद के वजह से दाहिर से नफरत करते थे, और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं बौद्ध का भी यहां पर बहुत बड़ा रोल हो गया जब अरब इन्वेजन हुआ। अभी उस पर हम आएंगे, अभी आपको सिंध के बारे में बता दिया कि इनको मारने के बाद, सहसीराम सेकंड को मारने के बाद जो है चच ने इनकी वाइफ से विवाह कर लिया और वहां का राजा बन गए चच ने। और इन सब की जानकारी, अरब इन्वेजन की जानकारी, सिंध के प्रांत में जो राजाओं थे इन सब की जानकारी इन्हीं पर लिखी एक चचनामा किताब है, वहीं से मिलती है, ठीक है। चचनामा किताब है, वहीं से मिलती है। ठीक, तो अब लोग हम लोग आ जाते हैं कि भैया यहीं पर आपके इराक में बैठे, अरब में बैठे, ईरान में एक आपके मंसूर हजाज थे, उन्होंने भारत पर 711 में पहले बार आक्रमण करने की कोशिश किया। बंबई के थाने के पास इन्होंने अपने दो सैनिक भेजे थे, दो सैनिक भेजे, लेकिन वो किसी कारणवश असफल रहे, उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर बाद में इन्होंने सिंध के क्षेत्र पर अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। मोहम्मद बिन कासिम उस समय मात्र 17 साल के उम्र का नौजवान हट्टा कट्ठा, उसकी वीरता बहुत थी, उन्होंने काफी सेनाओं के साथ सिंध पर आक्रमण किया। और सिंध के किस प्रांत पर शुरुआत में आक्रमण किया और दूसरा क्या कारण था जो कई इतिहासकार बोलते हैं सिंध पर आक्रमण करने का, वो भी जानना जरूरी है। पहला कारण मैंने आपको बता दिया यहां पर भारत में आक्रमण करने का, कि भारत एक संपन्न देश था। दूसरा, एक साम्राज्य का विस्तार उनको करना ही था, अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करना था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। और जो एक कई लोगों के, लेखकों के द्वारा एक और कारण माना जाता है कि उस समय मंसूर हजाज को श्रीलंका के, समझ रहे हो, आ जाओ तनी श्रीलंका, यहां नीचे आपका श्रीलंका ये लटका हुआ है, श्रीलंका के राजा जो है वो डर के कारण, जब ये देख रहे थे कि इतना इस्लाम धर्म प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ रहा है, हर राज्य पे कब्जा होता जा रहा है, इनको भी डर लग गया, और डर लगने के कारण ये दो तीन नाव भरकर पूरा खजाना, लड़कियां, सब कुछ किसको भेजें, ये मंसूर हजाज को जो खलीफा थे उनको भेजा। और यहीं पर सिंध में एक देवल बंदरगाह है, यहां पर समुद्री लटुरे, लुटेरे जो थे, समुद्री लुटेरे,
ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप लोग? चशनामा ने किसने लिखा? अली अहमद ने लिखा है। ठीक है, अली अहमद ने लिखा है। अब देवल बंदरगाह पर समुद्री लुटेरे जहाज पर लूट लिए। जहाज को लूटने के बाद यह चीज मंसूर हजाज को हजम नहीं हुई। उन्होंने भेजा अपने सैनिक को दाहिर के दरबार में। कहा गया दाहिर से, भैया तुम उन लुटेरों को खलीफा के सामने पेश कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा, मेरा लुटेरों से कोई वास्ता नहीं, मैं नहीं जानता उनको। मुझे जब मिल जाएंगे, मैं अपने हिसाब से, अपने राज्य के हिसाब से उनको मैं दंड दूंगा, मैं आपको नहीं दूंगा। ईगो हट हो गया बंदे का, ईगो हट हो गया मंसूर हजाज का। कहा, तुम्हें तो हम देख लेंगे, तुम्हारे ऐसे बहुत जने को देखे हैं, तुम्हें भी हम देख लेंगे। ठीक है, अब भैया मंसूर हजाज चला गया। और उसके बाद से मैंने कहा कि यह आक्रमण का जो वो है वो चालू हो गया। और इसी क्रम में उसने सबसे पहले दो लोगों को भेजा था थाने में, वो लोग असफल हुए। उसके बाद से उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। देखो, जो पहले आए थे 711 में, वो उबैदुल्ला और बुदैल थे, ये असफल हुए थे, इनसे कुछ नहीं हो पाया। तब मोहम्मद बिन कासिम उनका एक तरह से दामाद था मंसूर हजाज का, उनको उन्होंने भेजा। और कारण एक मैंने ये बता दिया, एक कारण, मेन कारण तो वही था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, अपने साम्राज्य का विस्तार और धन लूटना। ठीक है, और दूसरा कारण यह बन गया कुछ लेखकों के द्वारा कि भैया इनका धन दौलत लूट लिया गया था, इसलिए दाहिर से मंसूर हजाज नाखुश हुए और मोहम्मद बिन कासिम को अटैक करने के लिए बैठे। अब भैया कासिम टुक 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 करते करते कहाँ आता है? घोड़ों से। देखो, एक तो अरब जो इस्लाम धर्म का भारत पे आने का एक ये भी था कि ये लोग सफल क्यों होते गए, क्योंकि हमारे जो देश में उस समय जो स्थिति थी वो विखंडन की स्थिति थी। अपने अपने सिर्फ राज्य को लोग देखते थे, कोई दाहिर ने ना ही किसी से हेल्प मांगा, अगर किसी से अपने समकालीन राजाओं से मांगा तो किसी ने उसको इग्नोर कर दिया। ये नहीं सोचे कि ये समस्या आगे चल के बहुत विकराल हो जाएगी, एक दिन सबको ये सामना करना पड़ेगा, इतना किसी को अंदाजा नहीं था। ठीक है, ये सब देख रहे थे कि इस्लाम धर्म बहुत तेजी से प्रचार प्रसार पे चल रहा है, लेकिन हमारे इंडिया वाले अपने में ही खुश, आ जाएंगे तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ी होंगे, सब परेशान होंगे। ये मानसिकता के वजह से ये इतिहास में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर गया। अगर एकजुट होकर ये लड़ाई लड़े होते तो इतिहास कुछ आज और होता। ठीक, तो भैया घोड़ों की वजह से और हथियारों के बल पर इन्होंने पूरे भारत में विजय प्राप्त की थी। इनके घोड़े उसी रफ्तार से थे, अच्छे थे। अब ये करते करते यहां से देख रहे हो, आपको ये फिगर दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा है यहां पर, जो ये कलर जो दिख रहा है, ये वाला कलर, ये पूरा आपका क्या है, सिंध प्रांत है, जहां राजा दाहिर रहते थे। अब यहीं पे अटैक करना है तो देखो यहां से कौन आ रहा है आपका, यहां से आ रहा है कासिम, इस रास्ते से लाल कलर का रास्ता है। इसने सबसे पहले जो अटैक किया वो देवल पर किया, और देवल पर जब अटैक किया गया उस समय दाहिर यहां पर नहीं था, दाहिर इसको छोड़कर चला गया। वो कहा, इसको संभालने की वजह से हम इधर हम अपने राजधानी पर, जो आपका रावोर है, उन सब पर हम अपनी जो है स्थिति मजबूत कर लें। ठीक है, लेकिन वो भी नहीं हुआ उनसे, यहां पर था। उसके बाद से इनके इसका जो जितना भी था वो किसी के हाथ में छोड़कर वो तुरंत यहां से भाग निकला और यहां पर देवल में आक्रमण किया, और देवल पर मोहम्मद बिन कासिम का क्या हो गया, राज्य हो गया। इसने इसको ले लिया, और साथ ही साथ जैसे ही यहां से ये आगे बढ़ता है, यहीं पे आप देखोगे एक जगह है नेउन। कौन सी जगह है? नेउन जगह है।
यहीं पर एक जगह आपको मिलती है, ये जो लिखा है यही है नेउन। यहां पर भी आक्रमण किया, जो नेउन जगह है यहां पर भी उन्होंने आक्रमण किया, इसे भी अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, नेउन को भी अपने कब्जे में ले लिया। नेउन में यह था कि यहां पर नेउन में यह था कि यहां से जयसिंह को कहां बामनाबाद बुला लिया, दाहिर का बेटा था जयसिंह, उसको बामनाबाद बुला लिया और नेउन को एक पुरोहित के हाथों सौंप कर, ठीक है, वहां सबके सब वहां भाग खड़े हुए। ठीक है, वहां सबके सब भाग खड़े हुए और नेउन में बौद्धों की जो जनसंख्या थी, एक तरह से बोला जाए, ठीक है, बौद्धों की जो जनसंख्या थी वो ज्यादा थी, बौद्धों की जनसंख्या। और बौद्ध जो धर्म था, वो बौद्ध वाले लोग वो किससे तंग थे, दाहिर से, क्योंकि वो हिंदू का ज्यादा पक्ष लेता था। इसलिए जो बौद्ध लोग थे यहां पर नेउन में, देवल विजय तो हो ही गया, नेउन में जो बौद्ध लोग थे उन्होंने कासिम का सपोर्ट किया, जिसके कारण नेउन भी विजय कर लिया उसने। अब नेउन विजय करने के बाद वो आगे यहीं से बढ़ता है सेहवान पे, शीशम, शीशम यहां पे देख रहे हो, शीशम जगह है। ठीक है, तो यहां पे उस आगे बढ़ता है, कहां पहुंचता है, सेहवान विजय और उसके बाद से शीशम पहुंचते हैं। तो यहां पर सेहवान और शीशम दोनों आसपास हैं, यहां पर देख रहे होगे बाराज और शीशम यहां पे है। तो यहां पर उसके बाद से वो बढ़ता है कहां पर, सेहवान पर। सेहवान के जो एक राज बोला जाए उसको, जो संभालने वाला जो मंत्री था, जिसका नाम था बाजरा, कई जगह आपको बाजरा मिलेगा, कई जगह माझरा मिलेगा, तो बाजरा था, ये भाग खड़ा हुआ उससे डरकर, और भाग कर कहां गया, जाटों के पास गया और वहीं पर इसको इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब कोई रहा ही नहीं यहां पर शासक वर्ग, तो सेहवान भी मोहम्मद बिन कासिम के कब्जे में हो गया। फिर वहां से वो शीशम आया, शीशम में जाटों से उसका काफी विद्रोह हुआ। ठीक है, जाटों से इसका काफी विद्रोह हुआ और यहां पर भी जाटों से ये विजय प्राप्त कर लिया और यहां पर भी इसका क्या हो गया, ये एक तरह से जीत गया। जीतने के बाद अब क्या हुआ कि कासिम की सेना में एक रोग फैल गया। ठीक है, अब दवाई के लिए मंसूर हजाज के पास पत्र लिखा गया कि दवाई भेजा जाए। यहां पर सेना जो थी इस्लाम धर्म के लिए बहुत तोड़ते, अब लगातार युद्ध कर रही थी और इसी में बीमारी फैल गई, पूरे सेने को बीमारी हो गई। यह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, दाहिर चाहता तो यह शीशम के पास ही रुक गया था, यह चाहता तो अपनी सेनाओं को और किसी से हेल्प लेकर अटैक कर सकता था क्योंकि वो उस समय कमजोर था, लेकिन दाहिर की बुद्धि मारी गई थी। उसने किसी से हेल्प नहीं किया, जब तक उसने कुछ दिन तक एकदम आराम से बैठा रहा। अब जब उसको दवाई आ गई, उसके सेना धीरे धीरे ठीक होने लगा, तो उसका भी भाई मनोबल बढ़ गया कि कोई डर के मारे हमसे इतना डर गए हैं कि अब हमारे तक इतनी हमारी स्थिति होने के बाद भी बुरी, कोई आया नहीं हम पे अटैक करने। इसने तुरंत चढ़ाई कर दी और चढ़ाई की कहां पर, जहां पर दाहिर मौजूद था, कि हम इसको नहीं जाने देंगे। रावोर का युद्ध आपसे प्रश्न में कई बार एग्जाम में पूछा है तो उसको ध्यान रखना कि यहीं पर भिड़ंत होती है, किसकी, कासिम की और दाहिर की। ठीक है, यहीं पर भिड़ते हैं कासिम और दाहिर, और वो समय था 20 जून 712 का। इन दोनों की, दोनों मेन जो राजा हैं, वो जो एक मंसूर हजाज के द्वारा जो सैनिक भेजा गया और दाहिर, इन दोनों की क्या होती है, भिड़ंत होती है और यहां पर दाहिर की मृत्यु हो जाती। बहुत, एक राजा को जैसे लड़ना चाहिए पूरा लड़ा, लेकिन कुछ इसकी नीतियां गड़बड़ थी और इसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती। और जैसे ही इसकी मृत्यु होती है, इसका बेटा जो होता है वो यहां से निकल जाता है कुछ सेनाओं के साथ, और इनकी जो मां होती है, दाहिर की जो बीबी होती है,
जिनका नाम रानी बाई था, उनके हाथों में सौंपकर ये निकल जाते हैं। अब रानी बाई जब तक उनको हिम्मत रहती रोकती हैं, जब देखती हैं कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो आत्मदाह कर लेती हैं, वो आत्मदाह कर लेती हैं, तो इनकी भी मृत्यु हो गई। अब जयसिंह जो है वो ब्राह्मणाबाद भाग गया। अब अगला जो अटैक होगा, रावर भी मोहम्मद बिन कासिम के कब्जे में आ गया। अब यहां से सीधे सीधे कहां भागा जाता है, चला जाता है ब्राह्मणाबाद। ब्राह्मणाबाद में कौन है आपका, जयसिंह है, ठीक है। जयसिंह का भी यहां पर, यहां के लोगों ने जो ब्राह्मणाबाद जब पहुंचा तो वहां के लोगों ने ही जयसिंह के साथ विश्वासघात किया, वहां के लोगों ने ही किसको, ब्राह्मणाबाद की जगह पर बता दिया कि जो जल का स्रोत है, ठीक है, यहां पर जल के स्रोत के बारे में हर चीजें बता दिया। नगर के लोगों ने ही विश्वासघात किया, नगर के लोगों ने ही मोहम्मद बिन कासिम का सपोर्ट किया। तो अब भैया यहां पर जयसिंह की भी मृत्यु हो जाती है, और जिसके कारण फिर यहां ब्राह्मणाबाद पर भी वो अधिकार कर लेता है, ठीक है। यहां पर जब ब्राह्मणाबाद पर यह अटैक करता तो यहां पर दाहिर की दूसरी बीवी लाडी देवी रहती हैं, इनकी भी मृत्यु हो जाती है, और इनकी जो दो पुत्रियां होती हैं, जिसको कहा गया इतिहास में कि कासिम के मृत्यु का कारण बनती हैं, आज ये खत्म नहीं हो पाएगा क्या, तो दो पुत्रियां सूर्या देवी और परमला देवी, परमाल देवी, ठीक है, सूर्या देवी और परमाल देवी को ये बंधक बनाकर कहां पर, मंसूर हजाज के पास, मतलब खलीफा के पास भेजने के लिए कहता है कि इन दोनों सुंदरियों को खलीफा के हराम में भेजा जाए, ठीक है। तो ये यहां पर टेक किया, फिर आलोर पे जाता है जिसे आरोर बोलते हैं, तो आरोर का विजय करता है। आरोर के बाद ये लास्ट में कहां पहुंचता है, मुल्तान पहुंचता है। मतलब देखो ये सब आरोर यहां पर है, उसके बाद से मुल्तान आपका यहां पर है, तो अंतिम विजय जो कासिम की थी वो थी मुल्तान। मुल्तान पर क्या करता है, वो पहले ही जो आपका जल स्रोत है जहां से नगर को जल मिलता था वही रोक देता है, नगरवासी उसके अधीन हो जाते हैं। और यहां पर उसने जितना भी सोना था, क्योंकि मुल्तान को वहां से उसने सोना बहुत लूटा था, और इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया था, स्वर्ण नगर, स्वर्ण नगर रख दिया, ये ध्यान रखिए, इसको लूटा और यहां से उसको ज्यादा मात्रा में सोना प्राप्त हुआ तो इसको स्वर्ण नगर रख दिया गया, ठीक है। समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं, एक बार जल्दी से बता दो। तो ये आपका कहीं ना कहीं आज हम लोग अभी 9 मिनट है, फिनिश कर देंगे, जल्दी से बताओ समझ में आया कि इनका कैसे क्रम चला। दाहिर जो है कासिम से कहां भिड़ा था, रावर के युद्ध में, बैटल ऑफ रावर, ये पूछा है। अब मुल्तान यहां से वापस, मुल्तान से अब ये लोग वापस लौटते हैं, लेकिन वहां जो राज्य इन्होंने विजिट कर लिया, सिंध का जो प्रांत, वो अब उनके कब्जे में हो गया। अब उनको वहां से पैसा चाहिए, तो उन्होंने वहां पर जितने भी गैर मुसलमान थे वहां पर इन्होंने सबसे पहले जजिया कर लगाया। क्या लगाया, जजिया कर लगाया। ये ब्राह्मणों पर, लूलो लंगड़ों पर, और बच्चों पर, और जो आपके विकलांग जो मन में वही, और औरतों पर नहीं लगाया गया था, गैर मुसलमान मतलब जो हिंदू लोग हैं उन पर, क्योंकि इन्होंने ये सभी क्षेत्र विजिट किया, ये किसी किसी ना किसी के अधीन हो जाएंगे, तो वहां पर जो प्रोडक्शन होगा, मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं ये पहले बताओ, या ऐसा कहें कि पीपीटी से पढ़ा दें, फैक्ट पढ़ाते निकल जाए, जैसा बताओ भाई तुम लोग, जैसा कहोगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा पढ़ाऊं, या सीधे सीधे फैक्ट फैक्ट पढ़ा दूं, जैसा कहोगे वैसा करूंगा, अगर नहीं मजा आ रहा हो तो, क्योंकि आप ही प्रजा हो और आप ही से हमें चलना है। हाँ, क्या मैंने बताया, जजिया कर लगा दिया, तो यहां से इनको इनकम मिलने लगी,
ये उनके इस्लाम धर्म प्रचार प्रसार के लिए और जो भी मुसलमान थे उनके डेवलपमेंट का एक जरिया बन गया। ये भी जजिया कर जो यहाँ पे इन्होंने इस पूरे क्षेत्र पे लगा दिया था, जो इन्होंने विजिट किया था। अब कासिम साहब यहाँ कर और लगाने के बाद कहें आप थोड़ा रिलैक्स ले लें, अब हम चलते हैं कहाँ, खलीफा के पास चलते हैं। तो जब ये खलीफा के पास पहुंचते हैं बदबू, तो होता क्या है कि भैया इतना मेहनत किया, सब कुछ जीत के दिया खलीफा को। अब खलीफा के पास जो दो लोगों को भेजा था, दाहिर की पुत्रियां सूर्या और परमाल देवी, ये लोग कासिम को मारने के लिए प्लान बना लेती हैं। उनका यह कहना कि इन्होंने हमारे पिता की हत्या की थी, हम बदला लेंगे। वो जब खलीफा के पास प्रस्तुत रहती हैं तो कहती हैं कि ए सरकार, कहती हैं हे सरकार, ये जो मोहम्मद कासिम को आपने भेजा था वो हमें अपने किसमें हराम में रखा, हमारा जो है शोषण किया, शारीरिक शोषण किया, फिर उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। अब यहां पे खलीफा का ईगो हट हो गया कि इसको कासिम की इतनी हिम्मत हो गई कि पहले अपने पास रखकर उन लोगों को मेरे पास भेजा। उसने आदेश दिया कि जाओ और कासिम को बैल के चमड़ी में बंद कर दो और अंदर से आग लगा दो, मतलब बाहर से आग लगा दो, चमड़ी में उसको पूरा कैद कर दिया गया और दम घुटने से और उसके उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, समझ गए। और बाद में जब कुछ समय बाद खलीफा को इस प्लान का पता चल जाता है, वो बिटिया खुद ही लोग दोनों कॉन्फ्रेंस कर लेती हैं कि भैया हाँ हम इसको मरवाना चाहते थे, मर गया, बहुत बढ़िया हुआ, हमारे पिता की ये हत्या किया था, हमारी माता की हत्या किया था। तब खलीफा को ये पता चलता है कि दोनों का प्लान था, तो इन दोनों को घोड़े से घिसेटवाता है कि जब तक इनकी मृत्यु ना हो जाए, तो ये भी चल बसती हैं बेचारी, ठीक है, तो इन लोगों का भी काम तमाम हो जाता है। तो ये रहा पूरा का पूरा एक तरह से मोहम्मद बिन कासिम का अटैक भारत पर। तो प्रश्न फिलहाल क्या आपसे पूछता है, अभी तक जो प्रश्न पूछा गया 18-19 के बाद से मुझे नहीं लगा है कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। लोक सेवा आयोग में इस टॉपिक से, चाहे आपके टीजीटी पीजीटी की बात किया जाए, वहां पर भी इस टॉपिक से एक ही दो फैक्चुअल प्रश्न पूछेगा। और फैक्ट मैंने जितना आपसे बताया कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, सफल मुस्लिम आक्रमणकारी, क्या बोलोगे, वो था मोहम्मद बिन कासिम। पहला मुस्लिम सफल आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। कहां पर आक्रमण किया था, सिंध प्रांत पर किया था। कब किया था, 712 के आसपास किया था, ठीक है, ये प्रश्न है। और उस समय सिंध प्रांत के राजा कौन थे, दाहिर। इन सब चीज की जानकारी हमें कहां से मिलती है, इन सब चीज की जानकारी हमें चचनामा किसा किताब से मिलती है, जिसको किसने लिखा है, जिसको अली अहमद ने लिखा है। और भी किसी सोर्स से मिलती है क्या, इतने प्रश्न बनेंगे, चलो जजिया कर के बारे में मैंने बता दिया। वहीं पर मोहम्मद बिन कासिम ने दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कराया था, यह भी ध्यान रखिएगा, एक फैक्ट यह भी हो गया। तो यह भी पूछ सकता है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला कौन शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम बोलोगे, ठीक है। यह सब प्रश्न है, ये फैक्ट के रिलेटेड प्रश्न है। और जो आपको मैंने बताया, एक चचनामा से मिलता है और एक किताब है मीर मासूम की, किसकी, मीर मासूम की एक किताब है जिसको बोला जाता है तारीखे सिंध या मासूम ए सिंध, दोनों एक ही नाम है, जिसमें अरब आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। एक चचनामा हो गया, ठीक है, और दूसरी कौन सी हो गई, तारीखे सिंध या तारीखे मासूम ए सिंध,
तारीखे सिंध या मासूमे सिंध किसकी किताब है? मीर मासूम द्वारा लिखी है, यह ध्यान रखिए। इसी समय जब यहां पर आक्रमण हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के जब आक्रमण किया, उसी समय आपके विष्णु शर्मा द्वारा लिखी पंचतंत्र, तो यह आप जान लेना पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा द्वारा। उसका अरबी में अनुवाद हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है अब अरब वाले आए हैं तो उनको यहां की चीजें जो भी स्रोत है वो अरब में चाहिए, ठीक है। वैसे तो पढ़ नहीं पाएंगे हिंदी वाला, क्योंकि इससे पहले जो हमारा समय चल रहा था वो कहीं ना कहीं हिंदू शासक, आप एंशियंट पढ़ रहे हो तो वो हिंदू शासन वाला समय था, गुप्तोत्तर काल आप पढ़ रहे हो, सातवाहन वंश पढ़ रहे हो, ये सब चीजें पढ़ रहे हो ना, तो उन सब चीजों की जो भी उस समय का आपका डिटेल जानकारी अगर इनको चाहिए कि हमारे पास्ट के बारे में जान सकें, तो उसके लिए इनको अरब लैंग्वेज आती थी, तो अरब में हर चीजें जरूरी थी, तो अरब में इन्होंने अनुवाद कराया। ऐसे ही ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित ब्रह्म सिद्धांत, हर्ष द्वारा लिखित खंडन खंड खान, ठीक है, यह ध्यान रखना, खंडन खंड खान, इन सभी का अनुवाद किसमें कराया गया? इन सभी का अनुवाद आपका अरबी में कराया गया, और इसको करने वाला और कौन नहीं था, अल फाजरी था। कौन था? अल फाजरी, इसको अनुवाद किया था, ठीक है। तो अल फाजरी ने इसको अनुवाद किया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ में आपको फैक्ट मिल जाएगा। कहानी यही रही, प्रश्न इतने ही पूछेंगे कि जजिया पर सर्वप्रथम कौन लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी, जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। कब किया? 712। कहां किया था? सिंध पर किया था, ठीक है। वहां के राजा कौन थे? दाहिर थे। राउर का युद्ध कब हुआ था? तो 20 जून 712 में मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में हुआ था। ये सब चीजें आपसे प्रश्न के मामले में पूछ सकता है। स्वर्ण नगरी किसे कहा गया? मुल्तान को कहा गया। ये सब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बस यहां से और कुछ नहीं। तो अरब इन्वेजन यहीं पर खत्म होता है। अरब के बाद कल हम डिस्कस करेंगे तुर्क इन्वेजन, क्योंकि अब अरबों का धीरे धीरे पावर क्या हो गया? खत्म हो गया था। जो पहले जहां से शुरुआत हुई थी इस्लाम धर्म की, कि अरब से, वो धीरे धीरे कई खंड में विभाजित होते चले गए अरब वाले, तो वो पावर ईरानियों में शिफ्ट हुआ, लेकिन ईरानी भी उसको बहुत सही तरीके से नहीं रख पाए, ठीक है। तो वो फिर तुर्कों में चला गया, वो इस्लाम के पावर को बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए किसके अंदर चला गया? तुर्क वालों के पास चला गया, क्योंकि कुछ लोग अरब से तुर्क में भी आए थे, ईरान से भी तुर्क में आए थे, तो वो एक तरह से बोला जाए कि जो तुर्क के पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं अरब या ईरान से ही संपर्क रखते थे, लेकिन जो इन्वेजन हुआ तुर्कों ने किया, तो अब हम उसे तुर्क आई करेंगे। और भारत में मुस्लिम शासक का एक तरह से जो दौर आया वो किसके द्वारा लाया गया? वो तुर्की शासकों के द्वारा ही लाया गया। तो तुर्क आक्रमण हम लोग कल देखेंगे, आज यहीं पर विराम लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत कोई समस्या आज के टॉपिक में है तो बता दो मिनट के लिए, बाकी निकलते हैं।